कानपुर में जल संकट को लेकर लोगों ने खाली बर्तन सड़क में रखकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पानी नहीं तो वोट नहीं बोलते हुए नारेबाजी जाहिर की। दरअसल कानपुर नगर निगम जोन एक अंतर्गत वार्ड 98 इटावा बाजार में वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। कई दिन पानी आता है तो महीनों समस्या बनी रहती है। ऐसे में जल निगम क्षेत्रीय पार्षद दीपक शर्मा व विधायक अमिताभ वाजपेयी कोई भी सुध लेने भी नहीं आते। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि केवल चुनावी दौरे में सभी नेता केवल वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने कोई भी नहीं आता। मीडिया से बातचीत करते हुए वार्ड 98 की जनता ने बताया कि 5 वर्ष पहले सरकारी पानी सुबह शाम दोनों समय आता था, अब केवल नाम को आता है, लेकिन कभी कभी आसपास कोई व्यवस्था नहीं है। जिस घर में समरसेबल लगा है वहां से पानी लेकर गुजारा करना पड़ता है। पानी की टंकी भी दूर लगी है, वहां से भी भरकर काम चला लिया जाता है, लेकिन जो मुख्य समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। लक्ष्मी सेन, पानी की समस्या आ रही कब से क्या? अरे भैया, 4-5 साल से पानी की समस्या है। एक टाइम देते चलो कोई बात नहीं, अब 15-15 दिन हफ्ते हफ्ते भर पानी ना आए, हम लोग की कंडीशन ऐसी हो जाती, बताइए। चल पाते नहीं पैरों से, कैसे पानी उठाएं? कब तक आदमी लड़के थोड़ी घर में 24 घंटा बैठे रहते हैं, हैं? और पानी के बिना कोई काम नहीं, पानी पीने लें कि तरसना हो जाए। आप बताइए क्या ऐसे काम चले हैं? अरे 2-3 टाइम देते तो 2 टाइम सुबह शाम तो दोनों टाइम पानी दीजिए ना। जल निगम कोई शिकायत करी आपने वहाँ पे? करी है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं थी। सुन के एक बार तो टैंकर भेज दिया था बड़ी उससे बड़ी मुश्किलों में, इसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं कि पानी आप भेजे या दे। आप लोग के यही है कि वोट हम नहीं देंगे, पानी दोनों टाइम दीजिए आप लोग। आपने विधायक जी से शिकायत की? करी है भैया, कोई सुनवाई नहीं करते। कौन है विधायक यहाँ? अभी हमारे लड़के कोई सुनवाई नहीं करते हैं, हमें 2 टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दीजिए, तब तो वोट की उम्मीद, नहीं तो वोट नहीं देंगे। शांति जी बताइए, हाँ। पानी की समस्या कब से यहाँ पर आ रही है? अरे पानी समस्या कम से 2-3-4 साल से तो हो ही रही है भैया। हम इतने हार्ट के मरीज हैं, पानी लेने बच्चन की छुट्टी कराते हैं स्कूल की, पूछ लो जाए स्कूल में, कल भी छुट्टी कराई हमने बच्चों की कि पानी नहीं मिल रहा है। वोट किसको दें बताओ? एक टाइम भी नहीं। 8 दिन हुए धीरे धीरे पानी नहीं है। आप लोग कहाँ से पानी भर रही, कहाँ से लेकर आ रही? वो जो आगे किरण टेलर के पास से लाते हैं पानी। अच्छा, क्षेत्रीय आपकी जो पार्षद है उनसे अब तक अभी मिले आप शिकायत करें? वो आता ही नहीं देखने हम लोग, वो नहीं आता, वो क्या चुनाव जीत के बैठ गया, हमने शादी कर ली। बस क्या लगता है ये बताइए, कल चुनाव भी है और आज पानी नहीं है, वोट नहीं डाले? 5 बजे। क्या नाम है आपका? प्रकाश जायसवाल। ये बताइए कब से पानी की समस्या पर आ रही है? 3 साल से आ रही है, 3.5 साल हो रहे होंगे। पानी आता कितनी देर है? 10 मिनट के लिए तो हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, एक दिन दो दिन पानी आता है, उससे पानी नहीं आता। समस्या जो आ रही है, पानी कहाँ से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? क्या करो, जान के भाई अड़ोसी पड़ोसी सहायता कर देते तो आ जाती, जिनके यहाँ बोरिंग है तो पानी की समस्या तो आई है। क्षेत्रीय जनता जो आपकी क्षेत्रीय पार्षद उनसे क्या? भैया तो जनता जितने लोगों से आपने पूछा होगा बताई दिया होगा पार्षद ने क्या क्या काम करे हैं, उपलब्धि है ये। हमारा कहना कि पानी आना चाहिए भैया, आप लोग मिलके सब लोग सहयोग करके जो मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र का भला हो सकता है वो करवाइए आप लोग। जो हमारा नाम श्री प्रकाश मिश्रा बहुआ मिश्रा है, ये 2500 साल से समस्या है, बहुत पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं परंतु उसमें पानी आता रहा है। इधर विगत 4-5 साल से पानी की समस्या बहुत विकराल हो गई है, जब से फुलवाग का स्टेशन बना तब से पुरानी लाइनों को बड़ी बड़ी मोटी लाइनें सड़क सड़क में बिछा दी, गलियों में हमारे पास में कोई भी लाइन नहीं डाली गई है, और जो बहुत जद्दोजहद के बाद डाली गई वो 4-4 इंच की लाइनें डाली गई जिनमें पानी आता ही नहीं, और पुरानी लाइनें जो पड़ी हैं वो बस्ट हो चुकी हैं जिनमें सीवर का पानी जाता है और वो गंदा